नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय समीरा और मैं आ गया हूं अपने गांव। मैं आज आपको दिखाऊंगा बैल कोल्हू, जो शायद आप देखे हो। अगर ना देखे हो तो मैं दिखाता हूं। मैं फ़िलहाल अपने घर हूं, अब चलता हूं बैल कोल्हू की तरफ। गन्ने की पिराई कैसे होती है, गन्ने से लेकर के गुड़ बनने तक का मैं सफ़र दिखाता हूँ आपको। और ये हमारा घर और ये है हमारा गाँव, जो मैं गाँव में भी आ गया हूँ। ये हमारा गांव, ये है हमारा घर। अब चलते हैं बैल कोल्हू की तरफ और दिखाते हैं आपको कि गन्ने की पिराई कैसे होती है और गन्ने से पिराई से लेकर के गुड़ कैसे बनता है। और ये साई की शाला है राहुल, जो हमारे गांव में एक और यूट्यूब चैनल है पंकज राजकमल गौतम जी के नाम से, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसका भाई है, ये भी काम करता है हम लोगों के साथ में, कॉमेडी चैनल है उसमें साथ में। और चलते हैं, अभी आ गए हम संतोष के घर। ये गाना बजा रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों के पास। तो लगभग फाइनली हम आ चुके बैल कोल्हू के पास। यहाँ से वो जो है गन्ने की पिराई होती है, जो कि गन्ना डाल रहे हैं उसमें और पेड़ के रस निकल रहा है। और यहाँ पे ये जो है, ये देख रहे हैं, इसमें देखिए कुछ रस डाला गया है, रस डाला गया है। और इधर से जो है कुछ ईंधन लगाया जाएगा, जैसे लकड़ी हो गया या गन्ने की पत्ती हो गई, इधर से लगाया जाएगा तो ये गर्म होगा। और फिर वो जो देख रहे हैं उसमें से मतलब जो भी है धुआं वगैरह इसका, वो उधर से निकल जाएगा, इधर लगाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे का दिखाता हूँ मैं आपको, फिलहाल दिखाता हूँ कोल्हू कैसे चल रहा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. ये है दोस्तों गन्ना, जो खेत से काट के लाया गया है। और ये है अपने अजय भाई, जो कि इस मशीन में बैल कोल्हू जो है, ये देखिए यहाँ ये लगाने वाला है, ये गन्ना लगा रहे हैं इस मशीन में। और ये पेड़ के रस दे रही है, जो कि रस इधर एक बड़ा टैंक बनाया गया है, इस टैंक में रस आ रहा है और इधर से गन्ना पेड़ के रस इधर ट्रांसफ़र कर देती है और उसका बाकी जो होता है इधर निकालती है। ये जैसे निकाल दी पेड़ के, इधर निकाल देती है। और ये छोटा सा मशीन, ये बैल चल रहे हैं। ये हमारे गांव का देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ क्या, बहुत मुगले आजम का जुगाड़ है। पहले गन्ने की पिराई ऐसे ही होती थी, अब तो मिल हो गया है, जो कि मिल से लोग शक्कर चीनी जो भी है खरीदते हैं और खाते हैं, लेकिन उसमें लगभग केमिकल भी मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इससे बनाया जाता है बिल्कुल प्योर होता है, गन्ने के खेत से गन्ना काट के ला करके अपने आप हाथ से बनाया जाता है और ये प्योर गुड़ बनेगा। आगे का मैं दिखाता हूँ कि रस निकलने के बाद क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होता है, आगे का दिखाता हूँ आपको मैं। और यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं कुछ, जो कि मेरे मित्र भी हैं, हमारे जीजा जी भी हैं और ये जसवंत भाई है और ये अनूप भाई अमरेंद्र और ये संतराज भाई का झेरेक्स कॉपी, इनका सुपुत्र। ये यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये उनका जेरॉक्स कॉपी इसी गाड़ी से आया है। ये देखिए, अब ये जो पिराई हो गया है, अब ये रस को जो है टैंक से बाहर निकाल रहा है, बाल्टी में डाल रहा है, यहाँ से ले जाकर उधर छानेगा इसको और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये निकाल चुका है सभी, थोड़ा सा बचा है इसलिए इससे निकाल रहा है, ये भी एक टूल से निकालने का। अभी ले जा रहा है इधर, ये कुछ कपड़ा है छानने के लिए, जो कि कचड़ा उचड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा। अभी हो गया, अब ये रस छान चुके हैं। कितना टैंक का बाबू बाबा है, दो टैंक का रस आया है इसमें। अब इसमें आग जलाया जाएगा,
फिर इसको गर्म किया जाएगा। ये जो ईंधन लगाया जाता है, जलता है, राख बनता है, वो नीचे से निकाला जाता है। इसको ये अनूप निकाल रहा है, ये इधर स्टॉक लगा हुआ है, इसको खेतों में फिर डाल दिया जाता है। जैविक खाद का काम करता है ये। देखिए निकाल रहा है ये, अंदर से बाहर कर रहा है। अब आग इधर से लगाते हैं, अभी ये भी इधर से साफ़ कर रहे हैं। अभी बस आग लगाने का समय हो गया है। गांव के रहने वाले लोग हैं वो तो कुछ देखे होंगे, वो भी हर गांव में ये नहीं है बैल कोल्हू, किसी किसी गांव में है। वो भी नए लोग जो हैं वो शायद ना देखे हों, और जिनके गांव में होगा वो देखे होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक है। अभी शुरू हो रहा है। ये गन्ने की पत्ती है, पत्ती को जला करके इसको गर्म किया जाएगा। गन्ने के पत्ते से अब लगा रहे हैं, शुरू हुए स्टार्टिंग। पत्ती जला के इसको गर्म किया जाएगा, फिर उबलेगा ये, फिर इसको गुड़ में कन्वर्ट किया जाएगा जला करके। अब ये जल गया, अब शुरू हो गया। अब देखिए उधर से धुआं आने लगा, अब स्टार्ट हो गया। और ये भी जो भी ईंधन जलता है, राख जो बनता है, इधर से निकाला जाता है। इधर से जो है ईंधन लगाया जाता है, ये गर्म होता है, इसका जो भी है एयर लेने के लिए, धुआं निकलने के लिए इधर से है, और जो है राख हो जाता है इधर से निकलता है ये। और जो भी ये भी इकट्ठा होता है इसको खेतों में डाल दिया जाता है। जैविक खाद का काम करता है ये, बहुत अच्छी फसल होती है डालने से। तो एक पंथ कई काज हो जाते हैं इसमें। हाँ तो आइए दोस्तों, इस कोल्हू के ओनर से, दादाजी से मिलते हैं। हमने जो अभी वीडियो दिखाया था, तो ये लगभग बहुत दिनों से चल रहा है। मेरी एज लगभग 27 साल हो गई है, तो मैं जब से भी होश संभाला ये कोल्हू चल रहा है। तो दादाजी से पूछते हैं ये कोल्हू कब से चल रहा है और कैसे चल रहा है। बाबा कब से चला था कोल्हू भाई? अरे लगभग 50-60 हो गए। लगभग 50-60 साल से कोल्हू चल रहा है ये, तो कैसे चल रहे हैं बाबा कोल्हू भाई? पहले ठेकी से चले, 400 रुपया छमाही का लगे। अच्छा, किराया। उसके बाद अपन जर खरीद ले आके चलाओ थे। तो ये खरीद ले कब कर हो बाबा, कितना दिन हो गए? अरे 14 साल हो गए। ये कितनी पड़ल है? 10,000। तो दादाजी का कहना है कि पहले चलाते थे तो 400 रुपये एक सीजन का देते थे, यानी कि लगभग गन्ने का सीजन एक साल का होता ही है, तो लगभग 6 महीने पिराई होती है, 8 महीने, तो एक साल का लगभग 600-400 रुपये दिया करते थे। उसके बाद इन्होंने अपना खुद का ख़रीदा 10,000 रुपये में। लगभग 15 साल हो गया, 14 साल, और अब लेंगे तो लगभग 1,00,000 रुपये का पड़ेगा सिस्टम पूरा। तो आइए बाकी का आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, गुड़ कैसे बनता है। अभी आग जलाई जा रही है, तो हम दादाजी जी से मिल लिए। दादाजी से पूरा पूछ चुके, लगभग बहुत पुराना है ये। और ये है हमारे जो हेल्प कर रहे हैं अभी शूटिंग में, और आइए देखते हैं उसके पास, चूल्हे के पास क्या हो रहा है। अब ये लगभग गर्म हो चुका है, थोड़ा गर्म हो चुका है, और एक मैल एक बार फिर से दोबारा छन गई है। थोड़ा बचा है ये, इधर का साफ हो गया है, इधर का थोड़ा बचा है, ये भी लगभग निकालेगा। अभी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं उबल रहा है, उबलना चालू हुआ है अभी। ये लगभग 10-15 मिनट में गर्म हुआ है। ये देखिए छान रहा है अनूप, ये अनूप है जो इसी की गुड़ बन रही है। ये इसके पिताजी हैं जो आग लगा रहे हैं इसमें ईंधन, और ये छान रहा है, दोनों लोग मिल के बना रहे हैं, और उबल रहा है। और आगे देखते हैं कैसे कैसे उबल करके ये गुड़ तैयार होता है। अब देखिए लगभग 1.5 घंटा आग जलाने के बाद लगभग ऐसा हुआ है, बनने के कगार पे है। ये अजय भाई हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना एक मिलावट नहीं, हाँ जो भी है ऐसा हो गया है। 1 घंटे के बाद ये लगभग ये चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसे चेक किया जाता है, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ चेक करते हैं। इनको तजर्बा होगा इसका मतलब क्या है, कितने देर में होने वाला है, ऐसे कुछ आइडिया लगाते हैं लोग। और मिल में तो खैर मशीनें लगी होती हैं, मशीनें बताती हैं
एक घंटे जलने के बाद ऐसा हुआ। अब देखते हैं कुछ देर और पकने के बाद गुड़ कैसा होता है। बहुत दोस्तों, अब लगभग राब तैयार हो गया है। गुड़ बनाना था, मैं समझ रहा था गुड़ बनेगा, लेकिन अभी पता चला कि गुड़ नहीं राब। राब मालूम होगा शायद आप लोगों को, अगर राब नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। गुड़ वो होता है जो हम शहरों में पाते हैं, लेकिन राब नहीं मिलता है। गुड़ जो है मिठाई के टाइप का होता है, और राब जो है एक लेप के टाइप का होता है। वो हम गाँव में हम लोग बनाते हैं और ये खाते हैं, तो वही बनेगा। लगभग बन चुका है, अब दादाजी आ रहे हैं। जिनको हमने दिखाया था वो, उनको तजर्बा बहुत पुराना है, तो वो आके चेक करेंगे कि हाँ वाकई राब रेडी हो गया या कुछ अभी बाकी है। तो दादाजी आ रहे हैं वो, और आके चेक करेंगे। तो दादाजी देखे, और हम सभी आइडिया लगा रहे थे, कोई बोल रहा था हुआ है, कोई बोल रहा था नहीं हुआ है, लेकिन दादाजी सिर्फ देख के ही आइडिया लगा दिए कि राब के लायक ये हो गया है। अब इसको ठंडा कर दिया जाए। तजर्बा है उनका बहुत पुराना, तो उन्होंने कह दिया कि राब तैयार हो गया है। तो इसको जो है अब ऐसे एक गुड़दम बोलते हैं इसको, शायद आपको मालूम है या नहीं है तो मैं बताता हूँ, मालूम नहीं है तो। इसे सिर्फ चलाया जाता है इसलिए कि वो नीचे जो है जलने ना पाए, क्योंकि पक गया है, अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो नीचे हो सकता है कि जल जाए। तो ऐसे कुछ देर तक घुमाया जाएगा, कुछ ठंडा होने तक, कुछ मिनट, और उसके बाद जो है इसे बाल्टी में निकालेंगे और बाल्टी में ले करके घर जाएंगे। दादाजी फिर से एक बार चेक कर रहे हैं, और चेक करके उन्होंने कुछ बताया है, चेक करके उन्होंने कुछ बताया है उसके बारे में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं आपको बताऊं। फिलहाल ये हो गया, सिर्फ ठंडा किया जा रहा है। वो इसलिए कि अगर ये गर्म ही राब निकाल के बाल्टी में रखते हैं तो उसमें भी ये उबलने लगता है, इतना गर्म होता है ये, तो उबलने लगेगा, तो हो सकता है कि बाल्टी के बाहर भी आ जाए। इसलिए कुछ ठंडा किया जा रहा है, कुछ ठंडा करने के बाद बाल्टी में रख करके घर ले जाएंगे। अब ये हो गया है, अब राब निकाला जाएगा बर्तन में, बर्तन में निकाल के हम जाएंगे। दादाजी ने बता दिया है कि राब हो गया है, अब इसको निकालो। दोस्तों मैं आ गया, अब देख करके तो नाम हो रहा है, मैं फिलहाल चेक करता हूँ खा के। ये राब खाने के लिए आया है, और थोड़ा मैं चेक करता हूँ कैसा बना है। दो तनी अमरिंदर जी, थोड़ा सा दियो कि मैं ठंडा हो जाओ, टाइम से बहुत गर्म है। दोस्तों मैं टेस्ट करके आप लोगों को इसका टेस्ट बताता हूँ, टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या बताना है। देसी चीज़ है अपने गाँव का, तो ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया। मैं इसे लेके इससे दूसरे का हेल्प ले लेता हूँ, थोड़ा सा ठंडा करता हूँ। देखने में तो आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर लग रहा है ये, और ये प्योर देसी है, कोई ना केमिकल है, बिल्कुल नेचुरल है। हमारे गांव से अगर गुड़ लेते हैं आप, गुड़ लेना क्या बेचता कोई नहीं है, फिलहाल गन्ना ही सेल कर देते हैं और अपने खाने के लिए सिर्फ बनाते हैं, क्योंकि ख़रीदने पे जो है कुछ उसमें से मिलावटी मिल जाता है। वाकई बहुत टेस्टी है, देसी तो देसी होता है, टेस्टी तो रहेगा ही। मन कर रहा है बहुत खा लूँ, लेकिन वीडियो भी आप लोगों के लिए तैयार करना है। पानी पी लेता हूँ दोस्तों, बहुत मीठा है, मज़ा आ गया। पानी है इसमें, हाथ धो लेता हूँ फिलहाल, पीता हूँ अभी। ये जो है अमरिंदर बच्चों को खाने के लिए दे रहा है गुड़, और ये फिर दूसरी बाल्टी निकल रही है, और ये इधर
निकाल दिए, इधर डाल रहे हैं इसको, ये डंडे से ठंडा कर रही हैं। ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा घर ले जाने में इजी है होगा, ये तो गर्म होगा तो बहुत परेशानी होगा। देखिए देखने में कितना सुंदर है, गोल्डन टाइप का देखने में इतना अच्छा है, आप टेस्ट करेंगे तो वाकई बहुत मज़ा आएगा। शायद आपका मन भी कर रहा हो खाने का, लेकिन वीडियो में कैसे मैं दे पाऊँगा नहीं तो खाना हो कभी तो आप आइए हमारे आदर्श नगर, ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है हमारा गांव आदर्श नगर, ब्लॉक मितौली है। कभी आइए, देसी गुड़ मिलेगा यहाँ पे खाने का, बैल कोल्हू का बिल्कुल नेचुरल। ऑर्डर कीजिए हम पहुँचा देंगे। दादाजी से हमने पूछा अभी कि कितना इसमें गुड़ बन जाएगा, तो उन्होंने बताया कि जो ये रेडी हुआ है इसमें अगर गुड़ बनता तो लगभग 30-32 किलो बन जाता है, लेकिन ये राब बना है तो ये लगभग 40-42 लीटर के आसपास रेडी हो जाएगा। अब निकाल रहे हैं, ये अपने दोस्त लोग ही हैं, ये अपना हम चिल्लर पार्टी हैं, वीडियो बना रहे हैं हम लोग, और ये चिल्लर पार्टी मतलब फ्रेंडशिप है ना, ऐसे ही बोल देते हैं। और ये यहाँ जो ठंडा किया जा रहा है, ठंडा करके उसके बाद घर ले जाएंगे फिर रखेंगे। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।